नमस्कार दोस्तों, मैं मनीषा आप सभी का स्वागत करती हूँ मनीषा किचन में। दोस्तों आज मैं आप लोगों को लेकर चलती हूँ अपने गांव के खेत में। ये देखिए दोस्तों, मैं अपने गांव के खेत में आ चुकी हूँ और बहुत ही हरियाली है खेत में। देखिए ठंडी के मौसम में खेत कितने हरे भरे हैं। ख़ास तौर से ठंडी के मौसम में दोस्तों काफ़ी हरी भरी सब्जियाँ पाई जाती हैं, जिस वजह से खेत काफ़ी हरे भरे दिखने में लगते हैं। और आज धूप बहुत ही अच्छा किया है दोस्तों, ये देखिए काफ़ी अच्छा लग रहा है खेत में। और ये देखिए इस खेत में बहुत ही सब्जियां लगाई गई हैं, लहसुन है उधर, आलू भी लगाया गया है और मेड़ पर प्याज वाला सांडा भी लगाया गया है। तो मैं आ गई हूँ मेथी जहाँ पर लगाया गया है। ये देखिए मेथी बहुत ही अच्छे हैं इसके पत्ते, तो यहाँ से मैं देख कर एकदम फ्रेश पत्ते को ले लेती हूँ। ये देखिए दोस्तों बहुत ही अच्छी जो है कि मेथी है, एकदम अच्छे हैं इसके पत्ते। तो जितना हमें ज़रूरत है हम अपने ज़रूरत के हिसाब से मेथी को काट लेते हैं। और पीछे देखिए, हमारे पीछे लहसुन का पौधा लगाया गया है, लहसुन है। तो दोस्तों मेथी हमारे सेहत के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होता है, ख़ास तौर से पेट दर्द में ये बहुत ही ज़्यादा फायदा करता है दोस्तों। अगर पेट दर्द करता है तो मेथी के दाने को अच्छे से चबाकर अगर पानी पी लीजिए तो पेट दर्द ठीक होता है। तो दोस्तों बहुत लोग मेथी खाना नहीं पसंद करते हैं, तो आज मैं जिस तरीके से मेथी बनाऊंगी, अगर आप लोग इस तरीके से बनाएंगे तो ज़रूर आप लोगों को पसंद आएगी। तो जितना हमें ज़रूरत है हम उतना ले लिए हैं मेथी। अब चलिए चलते हैं घर की तरफ। और ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर सरसों भी फूला हुआ है, बहुत ही सुंदर लग रहा है देखने में। इधर देखिए धनिया भी है। तो खेतों से चलते हुए मैं घर पे आ गई हूँ और घर की मैं साफ़ सफाई कर लेती हूँ और इसके बाद जो है कि खाने की तैयारी करूँगी। तो दोस्तों अभी शाम के 4 बज रहे हैं और मैं अभी से खाना बनाने में लपट गई हूँ, क्योंकि जल्दी खाना बनाऊँगी तो जल्दी खाली हो जाऊँगी, जिससे हमें पढ़ने के लिए टाइम भी मिल जाएगा। दोस्तों ठंडी के मौसम में दिन बहुत ही छोटा होता है और काम तो इतना ज़्यादा रहता है कि कर भी नहीं पाती हूँ, बहुत ही जल्दी जल्दी करना पड़ता है और बहुत ही सुबह उठना भी पड़ता है। और सुबह तो दोस्तों बिस्तर पर से उठने का मन भी नहीं करता है, लेकिन क्या करें, मजबूरी है उठना, उठेंगे नहीं तो काम कैसे होगा। तो ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो है कि मेथी के जो पत्ते हैं इसको छांट कर अच्छे से धोकर साफ़ कर ली हूँ और इसके साथ जो है कि मटर भी ली हूँ, प्याज ली हूँ, अदरक लहसुन और हरा मिर्चा भी ली हूँ। तो सभी सामान को मैं ले ली हूँ दोस्तों। तो सबसे पहले मैं मेथी को अच्छे से एकदम बारीक बारीक काट लेती हूँ। ये देखिए मेथी को अच्छे से काट ली हूँ। अब मैं इसके जो पत्ते हैं इसे अलग कर देती हूँ और थोड़ा सा जो डंठल वाला है उसे अलग थाली में रखी हूँ। तो दोस्तों मेथी को मैं काट ली हूँ। अब चलिए इधर प्याज और अदरक को भी काट लेती हूँ। अदरक लहसुन और टमाटर ये सब का हम पेस्ट बनाएंगे और इसके बाद जो है कि इसे मैं बारीक काट लेती हूँ प्याज को। तो दोस्तों सभी सामान को मैं इकट्ठा कर ली हूँ और सारा सामान हमारा तैयार हो गया है। तो चलिए अब बारी आती है चूल्हे में आग जलाने की। तो ठंडी के मौसम में दोस्तों आग जलाने में बहुत ही दिक्कत हो रही है, क्योंकि हमारा जो गन्ना वाला खोइया था वो खोइया ख़त्म हो गया है, तो थोड़ा सा आग जलाने में दिक्कत हो रहा है। तो चलिए आग हमारा जल गया है और चूल्हे पर कढ़ाई रखती हूँ और इसमें मैं डालती हूँ तेल। तेल को गर्म होने के बाद इसमें मैं तेज़पत्ता और छोटी इलायची, दालचीनी का टुकड़ा, लौंग और काली मिर्च डालकर इसे तड़का लगाती हूँ। और इसके बाद जो है कि इसमें मैं डाल देती हूँ कटा हुआ प्याज। प्याज को हल्का सा लाल होने तक भून लेती हूँ। दोस्तों प्याज को मैं ज़्यादा लाल नहीं करूँगी, बस हल्का सा ही फ्राई करूँगी ताकि इसका कलर हल्का सा चेंज हो जाए। तो ये देखिए इसका कलर चेंज हो गया है। अब मैं इसमें डाल देती हूँ अदरक लहसुन और टमाटर का बना हुआ पेस्ट। ये देखिए दोस्तों, इसे मैं हल्का सा भून लेती हूँ।
तो ये देखिए अच्छे से जो है कि भून रहा है और इसमें से खुशबू बहुत ही अच्छी आ रही है। तो जब ये अच्छे से तेल छोड़ देगा तो समझिए कि अच्छे से मसाला भून गया है। तो अब बारी आती है इसमें मसाला डालने की। तो मसालों में मैं हल्दी पाउडर और थोड़ा सा धनिया पाउडर और गरम मसाला पाउडर सभी को मिलाकर पानी डालकर इसका पेस्ट बना लेती हूँ। इसके बाद जो है कि इसमें डाल देती हूँ। अब मसालों को मैं धीमी आंच पर हल्का सा भूनूंगी और इसके साथ इसमें मैं थोड़ा सा कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डाल देती हूँ। इससे इसका कलर बहुत ही अच्छा आएगा। अब मैं इसमें खड़ा हरा मिर्चा भी डाल देती हूँ। ये देखिए दोस्तों अच्छे से मसाले हमारे पक रहे हैं। अब मैं इसमें डाल देती हूँ मटर। मटर के दाने को मैं अच्छे से चलाते हुए भूनूंगी। ये देखिए दोस्तों इससे हमारे जो मटर हैं अच्छे से पक जाएंगे। और ये देखिए मसाले भी अच्छे से पक रहे हैं और इसमें से खुशबू भी बहुत ही अच्छी आ रही है। तो चलिए अब मैं इसमें स्वाद के अनुसार नमक डाल देती हूँ और इसे हल्का सा चला देती हूँ। तो ये देखिए दोस्तों इसका कलर कितना बढ़िया आया हुआ है। अब मैं इसे 2 मिनट के लिए ढक देती हूँ। 2 मिनट हो चुके हैं। चलिए थाली को हटाकर चेक करती हूँ कि मटर हमारे अच्छे से पके हैं कि नहीं। तो मटर हमारे लगभग पक चले हैं। तो अब बारी आती है इसमें मेथी डालने की। तो चलिए अब मैं इसमें डाल देती हूँ मेथी। ये देखिए दोस्तों मेथी को अच्छे से डालने के बाद इसे मैं चला देती हूँ। मेथी इतना दिखने में लग रहा है, जब इसे चला दूंगी तो गलने के बाद ये बहुत ही थोड़ा सा हो जाएगा। तो ये देखिए दोस्तों मेथी मटर मलाई हमारी बन रही है। बहुत ही अच्छी सब्जी है। आप लोग इस सब्जी को ज़रूर ट्राई करिएगा कभी। तो आँच को मैं निकाल देती हूँ और इसे थाली से ढक देती हूँ 1 मिनट के लिए। तो आँच बिल्कुल कम है। अब चलिए थाली को हटाकर देखती हूँ। ये देखिए दोस्तों मेथी कितने अच्छे से पके हुए हैं और अभी थोड़ा सा दिखने में लग रहा है थोड़ा कच्चा, तो अभी पक जाएंगे। थोड़ी धीमी आंच पर और पका देंगे। तो दोस्तों अब मैं इसमें डाल देती हूँ फ्रेश क्रीम। फ्रेश क्रीम डालने से बहुत ही अच्छा इसका टेस्ट आता है और स्वाद तो दुगना बढ़ जाता है। बहुत ही अच्छा लगता है खाने में। तो चलिए ऊपर से डाल देते हैं फ्रेश क्रीम। दोस्तों आप लोगों ने इस तरह से अगर नहीं बनाई है तो ज़रूर इस तरह से मेथी की सब्जी बनाइए और इसके स्वाद का आनंद लीजिए। बहुत ही टेस्टी होता है। तो आप कभी भी ज़रूर बनाइएगा इस तरह से मेथी की सब्जी। बहुत ही टेस्टी लगती है खाने में। दोस्तों बहुत लोग मेथी खाना नहीं पसंद करते हैं। अगर आप लोग इस तरह से बनाएंगे तो ज़रूर आप लोगों को पसंद आएगा और जो लोग नहीं पसंद करते हैं वो लोग को भी अच्छा लगेगा खाने में। तो ये देखिए दोस्तों मेथी मटर मलाई हमारी बनकर रेडी हो चुकी है लगभग। तो चलिए 1 मिनट के लिए इसे ढक देते हैं ऐसे ही। और इधर मैं मेथी की पूड़ी भी बनाऊँगी। तो मेथी की पूड़ी बनाने के लिए यहाँ पर मैं गेहूं का आटा ली हूँ और इसमें मैं थोड़ा सा नमक डाल देती हूँ और अजवाइन भी डाल देती हूँ। डालने के बाद इसे अच्छे से मिला लेती हूँ और इसके साथ देखिए यहाँ पर मैं मेथी का पेस्ट बना कर रखी हूँ और इसे भी मिलाकर इसे गूंथती हूँ। दोस्तों मेथी के पेस्ट में मैं हरा मिर्चा और अदरक लहसुन भी डाली थी, तो इससे जो है कि इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा लगेगा पूड़ी का। तो ये देखिए दोस्तों आटा हमारा अच्छे से गूंथ चला है और चलिए अब पूड़ियाँ बनाना शुरू करते हैं। और इधर जो है कि सब्जी को भी चेक कर लेते हैं। तो ये देखिए दोस्तों मेथी मटर मलाई हमारी बहुत ही अच्छी बनी हुई है। अब ऊपर से इसमें डाल देती हूँ हरा धनिया। तो चलिए अब सब्जी को चूल्हे से नीचे उतार देते हैं और इस पर जो है कि पूड़ियाँ बनाते हैं। ये देखिए दोस्तों बहुत ही अच्छी सब्जी हमारी बनी हुई है मेथी मटर मलाई।
तो आप लोग बताइएगा ज़रूर कि ये सब्ज़ी आप लोगों को कैसी लग रही है। और इधर मैं पूड़ियाँ बनाने के लिए छोटी छोटी लोई बनाकर तैयार करती हूँ। सबसे पहले दोस्तों, मेथी की पूड़ी बहुत ही अच्छी लगती है खाने में, और ठंडी के मौसम में मेथी बहुत ही आसानी से मिल जाते हैं। हमेशा मेथी नहीं मिलता है, ठंडी के मौसम में ही मिलता है। तो ये देखिए, लोई बनाने के बाद मैं पूड़ी को एक एक करके बेल देती हूँ। बेलने के बाद इसे पेपर पे रख देती हूँ, इससे जो है कि हमारा पूड़ी भी फटाफट छना जाएगा। और छानते वक्त जो है कि बेल नहीं पाती हूँ, इसलिए मैं पहले ही बेल कर रख देती हूँ, और इसके बाद जो है कि पूड़ी छानूंगी। तो देखिए, आधा मैं बेल कर रख ली और आधा बचा हुआ है। तो मेरी मम्मी आ गई हैं हेल्प करवाने के लिए, तो आधा मेरी मम्मी बेल रही हैं। और इधर देखिए, मैं पूड़ी को छान रही हूँ। तो ये देखिए दोस्तों, फूली फूली पूड़ी कितनी अच्छी बन रही है मेथी की, और ये खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है। तो आप लोग भी ज़रूर जो है कि इस तरह से ट्राई करिएगा, मेथी मटर मलाई और मेथी की पूड़ी बहुत ही टेस्टी लगती है खाने में। ख़ास तौर से ठंडी के मौसम में तो बहुत ही अच्छा लगता है, और ठंडी के मौसम में मन भी करता है ये सब खाने का, थोड़ा चटपटा। तो दोस्तों बताइएगा ज़रूर कि आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लग रहा है, और आप लोग भी इस तरह से मेथी की पूड़ी और मेथी मटर मलाई की सब्ज़ी ज़रूर बनाकर खाइएगा, और इसका अनुभव जो है कि हमें कमेंट में बताइएगा। तो चलिए पूड़ियों को छान लेते हैं फटाफट। तो दोस्तों, मम्मी भी आ गई हैं, तो हम लोग आपस में बातचीत भी कर रहे हैं और काफ़ी मज़ा भी आ रहा है। तो आप लोग देख भी रहे होंगे कि मैं हंस रही हूँ इस समय, क्योंकि मेरी मम्मी ऐसी बात ही बोलती हैं कि हंसी आ जाता है। तो दोस्तों, साथ में मिलकर खाना बनाने में बहुत ही अच्छा लगता है, और बातचीत भी होता रहता है, हंसी मजाक भी करते रहते हैं हम लोग, अच्छा लगता है। और पूड़ी बनाने में तो अकेले तो बन नहीं पाता है दोस्तों, कोई बेलता है तो कोई छानता है। तो देखिए, हमारा पूड़ी बनकर तैयार हो गया है। दोस्तों, मेथी की टेस्टी फूली फूली पूड़ी और मेथी मटर मलाई हमारी बनकर तैयार है। तो बताइएगा ज़रूर कि वीडियो कैसा लग रहा है। अगर अच्छा लग रहा होगा तो वीडियो को लाइक करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। दोस्तों, हमारे वीडियो को आप लोग पूरा नहीं देखते हैं, तो प्लीज़ आप लोग हमारे वीडियो को पूरा देखा करिए, और हमारा वीडियो अंत तक देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं फिर मिलूँगी एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए आप लोग को बाय बाय।